Today, Kailasa extends heartfelt gratitude to Mr. Sandeep Deo, a distinguished journalist and recipient of Kailasa's Shivaji Ratna Award. As the founder-editor of India Speaks Daily, Mr. Deo has played a crucial role in covering Kailasa's significant legal victory and the Supreme Pontiff of Hinduism's exoneration of all charges in the Gujarat case. His commitment to sharing positive factual news has been invaluable. Kailasa wishes Mr. Deo continued success and looks forward to further collaborations. Tune in for more news from Kailasas around the world. नमस्कार, इंडिया स्पीक्स डेली में आपका स्वागत है। इंडिया स्पीक्स डेली अर्थात नो लेफ्ट नो राइट ओनली सनातन वॉइस, और मैं हूं आपके साथ संदीप देव। नित्यानंद स्वामी जी पर मैंने पहले भी आपको शोक दिया है, वीडियोज दिए हैं। एकमात्र हिंदू राष्ट्र के संस्थापक कैलासा नाम से उन्होंने कहीं एक छोटा सा द्वीप बसा रखा है, हिंदू राष्ट्र के रूप में उसे रजिस्टर्ड करा रखा है। भारत उन्होंने 2018 जून 2018 में ही छोड़ दिया था और उन पर भारत में 200 से अधिक केस लाद दिए गए थे। अभी गुजरात हाई कोर्ट ने एक बड़े मामले में उनके विरुद्ध चल रही साजिश को समाप्त किया है। गुजरात हाई कोर्ट का यह फैसला नित्यानंद स्वामी के आश्रम में रह रही दो महिलाओं, दो बेटियों को लेकर था और उन दो बेटियों के पिता ने ये केस दर्ज करवाया था कि नित्यानंद स्वामी जी ने मेरी बेटियों का अपहरण कर लिया है, मेरी बेटियों को मुझसे मिलने नहीं देते। पिता खुद आश्रम में प्रबंधन देख रहे थे, लेकिन वो एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी का पार्ट थे जिसमें नित्यानंद जी को लगातार जो घेरा जा रहा था उसमें से एक केस ये भी था। आपको मैंने पहले बताया है, पहले भी बताया है कि 2010 में जब कर्नाटक में यद्यप्पा की सरकार थी, उस समय की बात है, और उस समय नित्यानंद स्वामी जी का एक बड़ा बुक जो है 2009-10 में रिलीज हुआ था और 2009 में बीडीडी कर्नाटका में उस बुक को आज के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च किया था और दुनिया के काफी सारे हिस्से में इसको लॉन्च किया गया था। और 2009 के बाद 10 में भाजपा की सरकार थी यद्यप्पा की, और उन पर एकाएक हमला किया गया जब इस बुक का के लोकार्पण का एक साल होने वाला था 3 मार्च को, तो उससे ठीक एक दिन पहले 2 मार्च को उनके विरोध में 1700 जगह से एकाएक कुछ वीडियो अपलोड किए गए उनके कैरेक्टर एसेसिनेशन करने के लिए और उन पर हमला किया गया और 3 तारीख को उस आश्रम पर हमला बोल दिया गया। लगातार उनको जिंदा जलाने का प्रयास भी किया गया और उनको हर तरह से प्रताड़ित करने का प्रयास किया गया। उनको जेल में करीब 53 दिन जेल में रहना पड़ा, जेल में रखा गया, न्यायिक हिरासत में रखा गया, उनको सीआईडी के पास केस गया और सीआईडी ने विज्ञापन दिया कि जिन जिन को भी नित्यानंद जी पर आरोप लगाना है आइए मुझसे संपर्क कीजिए, पर कोई संपर्क करने के लिए नहीं आया। उसके बाद उन पे धीरे धीरे करके कभी किरासन तेल के स्टोर किया, कभी बाघ का छाल पहना, ऐसे करके करीब 200 केस लाद दिए गए। उन पर एक मॉर्फ वीडियो का प्रयोग किया गया जिसमें एक महिला के साथ उनको दिखाया गया और बाद में ये पता चला कि जो सूर्य टीवी है, मारन का टीवी था, उसमें वो एक मॉर्फ फर्जी वीडियो का उपयोग करके उनको फंसाया गया था। उसको साइबर एक्सपर्ट्स ने साबित किया कि ये वीडियो मॉर्फ है। उसके बाद
और यहां तक कि उस टेलीविजन चैनल के बड़े अधिकारियों ने बाद में मीडिया में रिपोर्ट तक दिया कि हम लोग मॉर्फ वीडियो बनाने की फैक्ट्री चलाते हैं और हमने ये किया था। उनको अपमानित करने के लिए उनका पोटेंसी टेस्ट करवाया गया, यानी पौरुष का टेस्ट करवाया गया, और उस पौरुष टेस्ट में यौगिक क्रिया के कारण उनके अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन 1 साल के बच्चे से भी कम मिला, यानी उस स्थिति में वो बलात्कार कर ही नहीं सकते। इस तरह की चीजें सामने आई। उसके बाद ये सब बीडीडी में हो रहा था कर्नाटका में। उसके बाद एक आश्रम जो है उन्होंने योगिनी सर्वपीठ केवल महिलाओं के लिए गुजरात में स्थापित किया था 2019 में, और 2019 में ये आश्रम जो गुजरात में था उसके प्रबंधक में से एक थे जनार्दन शर्मा जी, और जनार्दन शर्मा जी के की 3 बेटियां और 1 बेटा है। जनार्दन शर्मा जी एकाएक आए और उन्होंने आरोप लगाया कि मेरी जो 2 बेटियां हैं उसको इस आश्रम में बंधक बना लिया गया है और वो उनको हमसे मिलने नहीं दिया जा रहा है, और हैबियस कॉर्पस का रिट जो होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण वो कोर्ट में डाला। जिस वक्त ये आरोप लगाया गया, नित्यानंद स्वामी देश छोड़कर कैलाशा बसा चुके थे। मीडिया उनको बार बार, आज भी अगर मीडिया की रिपोर्ट देखिएगा, उनके पक्ष में फैसला आने के बावजूद तो मीडिया भगोड़ा आदि कह रही थी, जबकि हाईकोर्ट ने उनको उनके पासपोर्ट को रिलीज करने का ऑर्डर दिया था, लेकिन विदेश मंत्रालय ने 2019 के बाद पासपोर्ट कैंसिल कर दिया। इसी सरकार में उन पर केस लादे जा रहे थे। ऐसी स्थिति में उनको लगा कि यहां तो मुझे फंसाया जाएगा, और वो यहां से निकल गए। जो जनार्दन शर्मा जी ने केस लगाया उसमें अपनी 2 बेटी तत्वप्रिया और नित्य नंदिता पर के अपहरण का आरोप लगाया गया। उसी पर हाईकोर्ट का ये निर्णय आया है, गुजरात हाईकोर्ट का, जिसमें गुजरात हाईकोर्ट ने साफ साफ उनकी याचिका को खारिज कर दिया है, और याचिकाकर्ता जो तत्वप्रिया बड़ी बहन है 21 साल की और नंदिता जो 18 साल की हैं, उनको साफ साफ कहा है कि ये अपने मन से अपनी आध्यात्मिक यात्रा पर निकली हैं। इनके पिता ने हाईकोर्ट से गुहार लगाई थी कि ये बाबा की कैद में हैं। खंडपीठ ने याचिका को खारिज किया। न्यायमूर्ति ए वाई कोगजे और न्यायमूर्ति राजेंद्र एम सरीन की खंडपीठ ने जनार्दन शर्मा की बंदी प्रत्यक्षीकरण हैबियस कॉर्पस याचिका पर कहा कि अदालत दोनों बेटियों की स्थिति से संतुष्ट है, दोनों बाबा के कैद में नहीं है बल्कि खुश हैं और अपने आध्यात्मिक पथ पर अपनी यात्रा कर रही हैं। मैं कहूंगा कि हाईकोर्ट का एक बार निर्णय भी अमरदीप दिखा दे, जो हाईकोर्ट का निर्णय इसमें डाला गया है। दोनों बेटियों का जो वीडियो लिंक के माध्यम से उनकी पेशी हुई थी, और इसी शुक्रवार को आदेश पारित किया गया कि, और कहा हाईकोर्ट ने कि दोनों बेटियां अपने निवास पे खुश हैं। तो 10 जनवरी 2024 को वीडियो लिंक के माध्यम से दोनों को कोर्ट के समक्ष पेश किया गया था। अदालत ने कहा कि दोनों बेटियों के बयान और उनकी स्थिति देखने के बाद संकेत मिलता है कि वे किसी भी अवैध कैद में नहीं है। अदालत ने कहा कि दोनों बालिग हैं और पूरे होशोहवास में आध्यात्मिक रास्ते पर चलने का फैसला कर रही हैं। उन्होंने अपने मन से आध्यात्मिकता की राह को चुना है। यानी स्वामी नित्यानंद जी के विरुद्ध जितने आरोप लगाए जा रहे थे वो धीरे धीरे सब खारिज हो रहे हैं। उसमें एक बड़ा आरोप था, एक पिता आया था समाज की सहानुभूति लेकर, और गुजरात पुलिस की मुस्तैदी देखिए कि इस आरोप, आज हाईकोर्ट का जब फैसला आया है तो क्या गुजरात की भाजपा सरकार माफी मांगेगी? उस आश्रम को बुलडोज कर दिया गया था, इनके आश्रम को बुलडोज कर दिया गया, नष्ट कर दिया गया, खत्म कर दिया गया उनके गुजरात के आश्रम को। लेकिन आज कहते हैं सत्य की जीत होती है, और आज ये फैसला आया है। तो आज मैं आपको इस प्रोमो के बाद आपको मैं मिलवाऊंगा उन दोनों मां से जो आश्रम में रह रही हैं, और जिस पर
जिनको बंदी बनाने का आरोप उनके पिता ने नित्यानंद स्वामी जी पर लगाया था, माँ तत्वप्रिया और नित्य नंदिता, उन दोनों के साथ आपकी मुलाकात होगी और वो सच आपके सामने रखेंगी। और फिर आपको हिंदुस्तान की खबर दिखाऊंगा कि कैसे अभी भी बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है। एक बार अमर उजाला की खबर दिखाओ। ये अमर उजाला की खबर है कि जिसमें ये आपको खबर की पुष्टि हो रही है, जिसमें अदालत ने कहा है कि दोनों के साथ साक्षात्कार के बाद कोर्ट संतुष्ट है कि दोनों वयस्क हैं और अपनी भलाई का फैसला लेने के लिए परिपक्व और पूरी तरह से सक्षम है। यह भी साफ है कि दोनों फिलहाल जहां रह रही हैं वहां खुश हैं और अपनी मर्जी से आध्यात्मिक रास्ते पर चल रही हैं। और ये सब वर्चुअल बातचीत में रिकॉर्ड किया गया। हाईकोर्ट ने रजिस्ट्री को मुकदमे के हिस्से के रूप में वीडियो रिकॉर्डिंग को सहेजने का निर्देश भी दिया। हाईकोर्ट ने कहा कि तथ्यों और वीडियो इंटरव्यू के आधार पर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका खारिज की जाती है। बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब है कि जो इनके पिता ने आरोप लगाया था कि मेरी बेटी को बंधक बना रखा है, उसे मेरे सामने प्रोड्यूस किया जाए, उस याचिका को कोर्ट ने खारिज किया है। कोर्ट ने दोनों बेटियों की तरफ से संचालित आध्यात्मिक सत्रों को भी नोट किया। हाईकोर्ट ने कहा कि दोनों ने संकेत दिया है कि दुनिया भर में कई लोग उनका अनुसरण कर रहे हैं, यह बयान भरोसेमंद है, कोर्ट ने कहा, और यह मानने का कोई आधार नहीं है कि उनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है या उन्हें कैद में रखा जा गया है। नवंबर 2019 में याचिका में जनार्दन शर्मा ने दावा किया था कि उनकी बेटियों को नित्यानंद के अहमदाबाद स्थित आश्रम में अवैध रूप से कैद रखा गया है। उन्होंने कहा था कि नित्यानंद के भारत से भागने के बाद दोनों बेटियों को अगवा कर लिया गया, जो आज पूरी तरह से फर्जी और झूठ साबित हुआ है। अब मैं कहूंगा जरा हिंदुस्तान की खबर है, आपको मैं एक मीडिया का दिखाया हिंदुस्तान की खबर, उसको आप देखिए। नित्यानंद के आश्रम में कैद है बेटियां, कैसे मीडिया बदनाम करती है हिंदू संतों को, आपको इस हेडिंग से पता चलेगा। गुजरात हाईकोर्ट में बाप ने दायर की याचिका, इस वजह से खारिज, इस पूरे हेडिंग में अब इसी का स्क्रीनशॉट लेके कि नित्यानंद के आश्रम में कैद है बेटियां, हाईकोर्ट ने जो खारिज किया है वो हेडिंग में नहीं है। गुजरात हाईकोर्ट में बाप ने दायर की याचिका, याचिका पास्ट टेंस में दायर हो चुकी थी, आज खबर है याचिका खारिज हुई, लेकिन हिंदुस्तान ने कहा बाप दायर की याचिका, इस वजह से खारिज। तो पूरे इस नित्यानंद जी के जितने केस हैं उस मामले में मीडिया की भूमिका हमेशा से संदिग्ध रही है। और सूर्या टीवी ने जो इस पूरे मामले में वीडियो रिलीज किया था, पहले पुराने केस में, सूर्या टीवी से लेकर और दिल्ली की मीडिया तक इनका रवैया आप देख सकते हैं। याचिकाकर्ता बेटियों के बाप ने स्वयंभू बाबा एवं भगोड़े, हाईकोर्ट ने कहा कि इनके पासपोर्ट रिलीज कीजिए पहले, लेकिन विदेश मंत्रालय ने पासपोर्ट कैंसिल किया था अवैध रूप से, लेकिन हिंदुस्तान पहले पारा में ही रोक दो, हिंदुस्तान अखबार लिख रहा है भगोरे स्वामी नित्यानंद। तो आपको ये मैं सिर्फ इसलिए दिखा रहा हूं कि हाईकोर्ट के आदेश आने के बाद भी मीडिया, अभी भी मीडिया का कूड़ा धरा उनके इमेज को खत्म करने के लिए एक सुपारी किलर की भूमिका में दिख रही है। और यही भारत की मीडिया का दुर्भाग्य है कि मीडिया हिंदू संतों के मामले में बायस्ड, पूर्वाग्रह से ग्रसित और अपना नैरेशन किसी की ठेकेदारी लेकर करती हुई दिख रही है। नित्यानंद स्वामी पर जो इंडिया स्पीक्स डेली ने या हमने जो पत्रकारिता की, आज कोर्ट के आदेश से भी हमारी पत्रकारिता सही साबित हुई। और उस जब वक्त मैंने जब लिया तो काफी सारे लोग ने मुझे ट्रोल किया था, भगोड़े स्वामी महिलाओं को लेके जो जो कहा था, आज वो बात पुनः साबित हुई कि ट्रोलर्स मीडिया की गलत नरेशन को लेकर गलत सूचनाओं के प्रवाह को बना रहे थे। इंडिया स्पीक्स की पत्रकारिता पुनः सत्य साबित हुई। एंड जैसे आपने बताया था अभी लाइक द एंटायर, ये पूरी एक साजिश है, इट इज नॉट अ इंडिपेंडेंट हैपनिंग। ये जो लगातार सनातन हिंदू धर्म के ऊपर लगातार प्रोसिक्यूशन हो रहा है और
गुरु शिष्य संप्रदाय रिमेन्स एज अ बैकबोन ऑफ सनातन हिंदू धर्म and continuously the guru shishya sampradaya is being attacked and you very rightly introduced and thank you for that and we both are extremely happy with and extremely grateful for receiving the justice bahut dhanyawad ji of main bangalore se hu mujhe bahut in hindi theek tarah se nahi aata hai so main thoda koshish karungi hindi mein baat karne ke liye मैं माँ नित्या तत्वप्रियानंद हूँ और ए माँ नित्यानंद है और फर्स्ट थैंक यू हमें यहाँ एक अपॉर्चुनिटी देने के लिए और सेकंड फर्स्ट वी वांट टू ऑफर आवर ग्रैटिट्यूड धन्यवाद करना चाहते हैं हमारे गुरुजी स्वामी जी भगवान श्री नित्यानंद परमेश्वर जो जिनके कारण आज हम जिंदा भी हैं क्योंकि पूरा लास्ट 5 ईयर्स जितना कॉन्स्पिरेसी और कितना अटैक जितना भी अटैक हुआ था और फॉल्स आरोप लाइक फॉल्स एलिगेशन स्वामी जी के ऊपर और हम दोनों के ऊपर लगा था आज द ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ गुजरात जस्टिस हैज गिवन अस द जस्टिस क्लियरली स्टेटिंग दैट वी आर नॉट किडनैप बाय डिसमिसिंग that false habeas corpus complaint that was put on Swamiji. So we offer our gratitude to the Honorable High Court of Gujarat also giving us this justice. आपके पिता ने आरोप क्यों लगाया? आप दोनों बेटियां स्वयं आध्यात्मिक यात्रा पे है तो क्या कारण समझ में आता है? आपके पिता ने आरोप क्यों लगाया? जी हम 2013 से ही यहाँ गुरुकुल में स्वामी जी के गुरुकुल में ही हम दोनों पढ़ रहे हैं. हम पूरा का लाइक 4 बच्चों हैं. लाइक आई हैव टू मोर सिब्लिंग्स तो मेरी बहनों और भाई के साथ हम चारों गुरुकुल में स्वामी जी के आश्रम में गुरुकुल में ही पढ़े थे और लाइक वहाँ सभी के सभी लाइक वेदर एजुकेशन और सब कुछ फ्री में देकर और बेस्ट हाईएस्ट क्वालिटी और हमें सन्यास लाइफ ही लाइक स्पिरिचुअल लाइफ वी लिव द स्पिरिचुअल लाइफ वी वर गिवन दिस कंप्लीट बेस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशन हाई क्वालिटी फूड क्लोथिंग स्टे एवरीथिंग एंड कंप्लीटली फॉर फ्री एंड इन 2016 2016 में दिस दोनों भी जनार्दन शर्मा और गुणेश्वरी दोनों भी कम्युनिटी मेंबर्स के रूप में अंदर आए थे. एक बैकग्राउंड देना चाहती हूँ. जब हम दोनों भी बच्चों थे तब हमारे पूर्वाश्रम का माता पिता मतलब जनार्दन और भुवनेश्वरी हम दोनों को भी फिजिकली इमोशनली और सेक्सुअली अब्यूज किया था. हमारे चिल्ड्रन वी हैव फादर ने हाँ जी मुझे बहुत अभी बोलने के लिए मुझे बहुत बहुत कष्ट हो रहा है लेकिन मेरी चाइल्डहुड में यही था मेरी जीवन. बहुत कष्ट हो रहा था बहुत वायलेंस हो रहा था और हम दोनों को भी सेक्सुअली अब्यूज किया था और इस कोर्ट में भी कंप्लेंट दिए थे. लाइक अभी इस केस आने के बाद हम कोर्ट में भी हमारे एफिडेविट के साथ ये भी बोले थे क्योंकि हमारे चाइल्डहुड का जीवन बहुत कष्ट था और उससे बचाने वहां से बहुत हीलिंग होकर और हमें लिटरली बचा कर हमें एक नया जीवन दान दिया स्वामी जी ने और इट्स लाइक अ कंप्लीटली न्यू लाइफ. और आज मैं इतना कॉन्फिडेंस से आपके सामने बैठ के बात कर रही हूँ. I'm able to talk is only because of the healing or itna powerful cognitions or spirituality Swamiji ne hame teach kiya tha aur hame ek completely new life diya tha diye the. So after we joined the Gurukul we thought that okay now completely naya life hai like this is a totally new life so we were like really happy. In 2016 teen saal ke baad ye dono आश्रम में आकर लाइक एक डोंग रच रहे थे लाइक एज इफ कम्प्लीटली वो
चेंज्ड हुए हैं और कंप्लीटली न्यू टाइप लाइफ जीना चाहते हैं. हम लोगों भी उसको बिलीव कर दिया. वी थॉट ओके सचमुच में एक ट्रांसफॉर्मेशन होकर ही दोनों वापस आए हैं और हमें वैसा अब्यूज नहीं करेंगे करके है हम सोच रहे थे. लेकिन हमें क्या नहीं पता था कि वो बैकग्राउंड में परचेस के नाम पर आश्रम से बहुत ज्यादा मनी स्टील करके फाइनेंशियल एम्बेजलमेंट करके उनका बहुत बड़ा पॉलिटिकल नेटवर्क वो रच रहा था. लाइक ही यूज्ड टू स्टील क्रोर्स एंड क्रोर्स ऑफ मनी स्वामी जी से और आश्रम से बहुत ज्यादा मनी एम्बेजल कर रहा था. ये हमें पता नहीं था. 2018 में मैंने इन भारत से निकला एक वर्ल्ड टूर के लिए सनातनी हिंदू धर्म को बहुत ज्यादा हिंदू डायस्पोरा में शेयर करने के लिए स्वामी जी का एक टीचिंग को दुनिया भर शेयर करके लोगों को हेल्प करने के लिए मैंने 30th नवंबर 2018 में मैं भारत से बाहर निकला था. और उसके बाद 2019 में जब मैं ट्रैवल कर रही थी तभी मैंने इसको डिस्कवर भी किया कि इस जनार्दन ने बहुत बड़ा फाइनेंशियल फ्रॉडलेंस कर रहा है और उससे भी ज्यादा बहुत ज्यादा क्रिमिनल एक्टिविटीज कर रहा है और उनका बहुत बहुत ही बड़ा एक स्ट्रॉन्ग डीप स्टेट नेटवर्क है. इट इज एंटी हिंदू हिंदू एलिमेंट्स और पॉलिटिशियंस इन सब से एक बहुत ज्यादा नेटवर्क है करके. तभी एक बार उनसे लाइक जब मैं इसको डिस्कवर किया लाइक उनके उनके फाइनेंशियल एम्बेजलमेंट के बारे में जब मैंने डिस्कवर किया मैं बहुत शॉक होकर मैंने कॉन्टैक्ट करने के लिए कोशिश किया. और फर्स्ट उन्होंने बोला कि यदि तुम मुझे ऐसा पूछ रहे हो लाइक ही थ्रेटेंड मी यू बेटर बी साइलेंट. जनार्दन ने मुझे थ्रेटन किया था कि मेरी फाइनेंशियल एम्बेजलमेंट के बारे में तुम बिल्कुल चुपचाप रहना है नहीं तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ तुमको. मैंने बोला लाइक यू हैव टू स्टॉप इट. ऐसा मैं अलाउ नहीं कर सकती हूँ. स्वामी जी ने हम फैमिली को ही टोटली न्यू लाइफ देकर हमें लाइक सेव किया है और आप ऐसा आश्रम से यू कैन नॉट स्टील मनी एंड आई विल नॉट लेट यू. ये छोटा मोटा नहीं ये बहुत बड़ा स्टीलिंग था. लाइक ही वॉज एम्बेजलिंग क्रोर्स एंड क्रोर्स ऑफ मनी. एंड इसके बाद हम ऐसा बोला लाइक ही कट माई कॉल. उसके बाद मुझसे वो कॉन्टैक्ट नहीं किया. तो इसी समय में आई वॉज इन गुजरात अहमदाबाद गुजरात इंडिया क्योंकि जैसे आपने कहा था स्वामी जी ने उसी समय में 2019 गुजरात में वी हैड योगिनी सर्वज्ञ पीठम उसको एस्टैब्लिश किया था. एंड योगिनी सर्वज्ञ पीठम का मिशन जो था लाइक स्वामी जी जिस मिशन के साथ उसको एस्टैब्लिश किया था वो सारी महिलाओं के लिए और सारी स्त्री के लिए वो वुमेन एम्पावरमेंट. जैसे कि हमें डोमेस्टिक वायलेंस या वुमेन जो है जो एसिड अटैक सर्वाइवर्स या जिन्होंने भी जितना भी उनकी लाइफ में जो भी तकलीफ हुआ होगा या उसे उसके अलावा उनको अपनी खुद का शक्ति जो है उसको अनुभव करने के लिए और उसको अवेकन करने के लिए स्वामी जी ने ये योगिनी सर्वज्ञ पीठम को एस्टैब्लिश किया था. ये एक मंदिर और एक मोनास्ट्री कैंपस एक आश्रम और एक यूनिवर्सिटी और गुरुकुल एक स्कूल ये सारे चीज उसी कैंपस में अहमदाबाद में था. 2019 में स्वामी जी ने एस्टैब्लिश किया था. एंड इस योगिनी सर्वज्ञ पीठम ने जैसे संदीप जी आपने बताया था स्वामी जी के विजन सारे हिंदू सनातन हिंदू धर्म में जो भी टीचिंग्स है जो भी सत्य बताया गया है उसको सिर्फ एक फिलॉसफी की जैसे नहीं बल्कि एक अनुभव की जैसे हमें दीक्षा के माध्यम से एक अनुभव ट्रांसमिटिंग एक्सपीरियंस नॉट जस्ट नॉलेज. तो स्वामी जी ने जितना भी हमारे वेदागमों हिंदू शास्त्रों में जितना भी लिखा है उसको अनुभव के माध्यम से जैसे शक्तियाँ या हमारे लाइफस्टाइल जो भी परिवर्तन लाना है या हमारी
हम खुद को जैसे हम कॉग्नाइज करते हैं, हम खुद को जैसे व्हाट वी हाउ वी अंडरस्टैंड आवरसेल्व्स, उसको ही कंप्लीटली स्वामी ने ट्रांसफॉर्म किया। तो 2019 में इस आश्रम जैसे ही स्वामी जी ने खोला था, जैसे ही स्वामी जी एस्टैब्लिश दिस, इमीडिएटली वी हैड वुमेन फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, विश्व भर से लगभग 30 to 40 कंट्री से इजिली हमें डिफरेंट वुमेन फ्रॉम डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ, डॉक्टर्स, PhDs, साइंटिस्ट एंड टीचर्स फ्रॉम वेरियस डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ, वुमेन वर गैदर्ड दैर इन द योगिनी सर्वज्ञ पीठम। वी हैड पीपल फ्रॉम US, Canada, and we had people from UK, Mauritius, Africa, Europe, Australia, and even from India, of course, from India, from different parts of the world. So hum sabhi wahan gather hoke hamare lifestyle jo tha roz hum annadan, like logon ko khana bantna aur satvik, pure satvik vegetarian meals free mein distribute karna, और हम रथ यात्रा कंडक्ट कर रहे थे, और उसके अलावा हम वहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशंस NGOs वगैरह था, जहाँ पे वो गुजरात अर्थक्वेक का बच्चों उसमें जो ऑर्फन हो गए थे, और उसी तरफ लाइक वेरियस वुमेन ऑर्गेनाइजेशंस, एंड देन इवन द स्कूल फॉर द विजुअली इम्पैक्ट चिल्ड्रन, जिसको यू नो द ब्लाइंड, द चिल्ड्रन हु कैन नॉट सी एंड द चिल्ड्रन हु कैन नॉट हियर एंड स्पीक। इस तरफ हम रोज स्कूल्स, वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस यहाँ पे जाकर वी यूज्ड टू कंडक्ट प्रोग्राम्स, उनको फ्री में ही प्रोग्राम्स कंडक्ट कर रहे थे, और वी यूज्ड टू कंडक्ट अ लॉट ऑफ एक्टिविटीज, लाइक अभी इवन व्हेन आई रिमेंबर इट गिव्स मी सो मच ऑफ जॉय बिकॉज इट वॉज इंटेंस, इट वॉज सो हैपनिंग। Like जब ऐसा गुजरात में there was this Yogini Sarvajna Peetham established हो रहा था, तब भी मैं world tour में ही थी, मैं बहुत ज़्यादा countries visit करके वहाँ का लोगों के पास मिलकर उन लोगों को help करना, यही मेरी जीवन था, like वो ही मैं continue कर रही थी। तो इस समय I think around October 2019 क्या हुआ कि सडनली, मुझे ये सब पता नहीं था जो बैकग्राउंड में हो रहा था और इनके और जनार्दन भुवनेश्वर के बीच में। तो आई जस्ट वांट टू रीकैप इट, बिकॉज़ इसी समय अक्टूबर 2019 जब मैंने एक बिल्स रिव्यू कर रही थी, तभी मैंने ये एविडेंस निकाला कि जनार्दन और भुवनेश्वरी दोनों भी बहुत ज्यादा फाइनेंशियल एम्बेजलमेंट कर रहे हैं, यहाँ से बहुत ज्यादा मनी crores and 100 crore worth money को embezzle किया है आश्रम से। इसको मैं तब भी discover किया, और जब मैंने confront किया जनार्दन को, उसने मुझे threaten करके मुझे silence करना कोशिश किया। जब मैंने बोला कि नहीं, यदि आप इसको नहीं रोकेंगे, मैं इसको सभी के सामने इस financial embezzlement को लेकर आऊंगी, तब उसने मेरी call cut करके इनको call किया, और मुझे ये सब बैकग्राउंड में नहीं जानती थी तब, और मुझे कॉल करके ही प्रेशराइज्ड मी इमीडिएटली टू गेट लीव, ही सेड यू कम आउट ऑफ द मेन यूनिवर्सिटी कैंपस। तो मैं और माय टू सिबलिंग्स, वी थ्री टुक लीव, आई अप्लाइड फॉर लीव, आई गेव द लीव लेटर, एंड देन वी टुक लीव एंड वी वेंट टू अनदर प्लेस अवे फ्रॉम द मेन यूनिवर्सिटी कैंपस। तो हम अहमदाबाद में ही दूसरे जगह में जाकर वी वर वेटिंग, तो दोनों, neither of them turned up. I was calling them continuously, I was messaging them, no response, they didn't turn up, they never came to the place, and I'm trying to continuously reach them. Almost 7 to 8 days passed, and I'm like wondering, we're all, he said, you know, come get leave and come, we need to discuss some family matters, we need to sort out things, please come. So I applied for leave and I went there, and neither of them had turned up. And around like after 7 or 8 days, I got a call from Janardhan. He called me and he started threatening me to file a false rape charge against Swamiji. We need to remember this. This is in retaliation to his financial embezzlement being exposed. He started threatening. He started forcing me to file a false rape charge against Swamiji. And Swamiji was
स्वामी जी वॉज पिता अपनी पुत्री को कह रहा है कि आप स्वामी जी पर रेप चार्ज लगाइए, आप स्वामी जी पर रेप चार्ज लगाइए। हाँ जी वही हुआ, क्योंकि उनको पता चला कि अब मैंने डिस्कवर कर लिया है कि इनका क्या फाइनेंशियल एम्बेजलमेंट है, इनका क्या फ्रॉडुलेंस है, मैंने डिस्कवर कर लिया है। इसके बाद उसने ही कैनॉट कंटिन्यू दिस काइंड ऑफ स्टीलिंग एनी मोर वंस आई डिस्कवर्ड दैट। सो उनको और कुछ तरीका चाहता था कि कैसा मैं बहुत ज्यादा धन लुटा सकती हूँ करके, वो स्ट्रैटेजाइज करके। एक बहुत बड़ा नेटवर्क है, मैंने पहले भी बोला था, ही हैज अ वेरी स्ट्रॉन्ग नेटवर्क, अ ह्यूज नेटवर्क ऑफ पॉलिटिशियंस एंड मीडिया एंड लाइक द डीप स्टेट एलिमेंट्स राउडीज, इन सबको भी जनार्दन बहुत ज्यादा, लाइक मैंने कमेंट में भी देखा, यूट्यूब कमेंट में किसी ने पोस्ट किया था कि एक ऐसा एक राक्षस पिता है। हाँ जी, वो राक्षस से भी, लाइक आप कैसा एक राक्षस को विजुलाइज करते हैं ना, उनसे भी ज्यादा है, क्योंकि एक इतना इलीगल एक्टिविटीज करते हैं, इतना ही लाइक हम दोनों जब हम बच्चे थे वो हमें सेक्सुअली अब्यूज किया था, और हम जैसे बहुत ज्यादा महिलाओं को वो ऐसा सेक्सुअली अब्यूज करके वो उनका कॉन्टैक्ट्स को, उनका एक पॉलिटिकल कॉन्टैक्ट्स है ना, उन लोगों को ऐसा महिलाओं को बेचकर बहुत ज्यादा मनी कमा रहा था, और ये सब एक पैरेलल स्ट्रीम में कर, ये सब एक्टिविटीज इलीगल एक्टिविटीज वो कर रहा था। वो एक्चुअली एक ड्रग एडिक्ट है, लाइक ही एक्चुअली इवन सेल्स ड्रग्स। बहुत ज्यादा ऐसा इलीगल एक्टिविटीज करके एक बिग नेटवर्क को क्रिएट किया था। तो इन लोगों को मनी सप्लाई करना भी है ना, और इनका दिस जनार्दन वांटेड टू कंटिन्यू हिज इलीगल एक्टिविटीज, इसके लिए अभी ही नीडेड अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी टू बी एक्सट्रैक्टेड समहाउ। सो व्हाट ही वांटेड टू डू, आपने देखे हुए होंगे हमारा बहुत ज्यादा सनातन धर्म में बहुत ज्यादा गुरु जी है ना, लाइक एनी एनलाइटन मास्टर, there are two ways attack happens. One, like एक बहुत छोटा सा organization है तो directly लोगों they granting him the elements, kill them, murder them. यदि वो एक बहुत बड़ा organization है तो उनके ऊपर एक false rape charge डालकर, उनका character assassinate करकर, उनको jail में डालकर assassinate करते हैं। This is like a very clear strategy. आप just last 100 years में देखेंगे तो ए आप वेरी क्लियर एविडेंट देख सकते हैं। इसी स्ट्रैटेजी को स्वामी जी के ऊपर भी, स्वामी जी के ऊपर भी एक फॉल्स रेप चार्ज डालने के लिए हमको भी प्रेजराइज कर रहा था, क्योंकि इसको यूज करके वो सोच रहा था कि इस फॉल्स रेप चार्ज को यूज करके स्वामी जी को ब्लैकमेल कर बहुत ज्यादा मनी एक्सट्रॉट कर सकते हैं करके एक स्ट्रैटेजी और एक कॉन्स्पिरेसी, और उनका लॉट ऑफ देयर एंटी हिंदू एलिमेंट्स ऑलरेडी अ बिग ग्रुप दैट वाज ट्राइंग टू अटैक स्वामी जी, बिकॉज स्वामी जी इज क्रिएटिंग अ हिंदू नेशन, एक हिंदू राष्ट्र स्वामी जी कैलाश क्रिएट करने के कर रहे थे ना, इसी कारण उन पर अटैक कर बहुत ज्यादा एंटी हिंदू एलिमेंट्स वे आर ट्राइंग टू अटैक स्वामी जी। सो दे जॉइंड हैंड इन हैंड एंड to extort money from Swamiji so that this Janardhan's financial embezzlement does not come out in open. This is the reason why he started this entire attack itself. और मैं और ये जानना चाहूंगा कि जब ये अटैक कर रहे थे जनार्दन, तो पुलिस ने बिना कुछ के आश्रम को उजाड़ दिया, बुलडोज कर दिया, या पुलिस को यह समझ में नहीं आ रहा था कि कोर्ट के फैसले की प्रतीक्षा करते हैं, कोर्ट के फैसले की प्रतीक्षा करते हैं। एक्चुअली संदीप जी, वी हैव अ प्रॉपर टर्म फॉर दिस, वी कॉल इट एज लॉ फेयर, जहां लॉ में जितना लूप होल्स है उसको यूज करके लगातार गुरुस पर हमला करना, टैक्स करना, प्रोसिक्यूट करना, यही होता आ रहा है और यही स्वामी जी के ऊपर भी हो रहा है। तो यहाँ इस सिचुएशन में जो आप पूछ रहे हैं,
इसमें अगर आपने देखेंगे तो अक्टूबर 2019 में जब ही जनार्दन ने मुझे कॉल करके ही स्टार्टेड प्रेशराइजिंग, जैसे मैंने कहा लाइक आई वाज टेलिंग अबाउट, ही स्टार्टेड फोर्सिंग मी टू फाइल अ फॉल्स रेप चार्ज. ही इज फोर्सिंग हिज ओन डॉटर टू फाइल अ फॉल्स रेप चार्ज. एंड स्वामीजी इज मोर देन अ गुरु टू मी, इज गॉड, ही इज माई फादर, मदर, एवरीथिंग. एंड I could not even comprehend what was happening. I didn't even understand how could he do such a thing. And I was still, as I was still reeling from the shock, I will never do such a thing. And not just that, I started fighting back with him. How could he even talk like this? How could he threaten me? How could he blackmail me like this? At the same time, on the 1st of November, I refused and he cut my call. In a matter of few minutes, Sandeepji, he gathered an entire group of police or media or rowdies, charge-sheeted rowdies, around 60 to 70 men, actually night time. All of them barged into the campus. One important thing to note, aapne pucha tha, police ko pata tha, to police ne kuch nahi kaha. In fact, बिना कुछ FIR, बिना कोई complaint, कुछ भी नहीं था. Without any of this, all of them, whether the media, whether the rowdies or the police, 60 to 70 men just barged into the all women university campus, जहाँ पे वो महिलाओं का dormitories है, जहाँ हम stay करते हैं, वहाँ पे people just barged in. Night time. And at the same, आप देख सकते हैं यहाँ पे वीडियो में, this is night time and you can see an entire group of police, media, all of them are covering this, national media channels are there. आप यहाँ देख सकते हैं कि इन लोगों के इसमें रौडी हैं और पॉलिटिशियंस हैं और डीप स्टेट एलिमेंट्स, पुलिस सभी यहाँ हैं, लेकिन इन सब देर वो एक भी पुलिस कंप्लेंट भी नहीं था जब ये हो रहा था. एक पुलिस कंप्लेंट भी रजिस्टर भी नहीं हुआ था, सिर्फ उसी दिन नहीं, दो लाइक नेक्स्ट टू वीक्स, ओवर नेक्स्ट टू वीक्स एक पुलिस कंप्लेंट भी नहीं था. इस पूरा हमला में एक भी पुलिस कंप्लेंट नहीं था. एंड आई टेल यू व्हाई, संदीप जी, आई टेल यू व्हाई ही गॉट ऑल ऑफ देम. एज सून एज आई रिफ्यूज्ड टू file the false rape charge, right, he launched such a cunning, such a violent, vicious attack. What he did, he went to the main campus and he actually started flashing my photo on the media, saying myself and my siblings are kidnapped. You should know the truth. Sach ye tha ki unhone मुझे और मेरी सिबलिंग्स, हम तीनों को मेन कैंपस से अलग आकर सेपरेटली रहने के लिए रिक्वेस्ट किया था. जो मैंने लीव लेटर दिया और आई फॉर्मली अप्लाइड फॉर लीव, आई गॉट द लीव एंड आई एम वेटिंग इन अदर प्लेस. एंड उन्होंने आकर मीडिया में सभी जगह में हमारी फोटो फ्लैश करके ये कह रहा है कि हम सभी बंदी, लाइक वी आर ऑल केप्ट किडनैप्ड. एंड आई वॉज शॉक्ड. The truth was, he asked me to come and stay separately and he comes to the main campus. He very well knows, he's only asking me to stay. He knows where I am. He comes to the media and he lies, saying he does not know where I am. And he started lying that we have been kidnapped, and he turned the whole thing, falsely accusing Swamiji of kidnapping. Ji, isme ek thoda sa main bolna chahti hu. Aap dekh sakte hain, yahan hi leave letter hai. इनका उम्र था, तभी इनका उम्र था 18 इयर्स ओल्ड, मीनिंग एक लीगली मेजर था, मेजर थी. ये इनका लाइफ क्या होना है करके ये यही डिसाइड कर सकते हैं, है ना. और मेरी उम्र था तभी 20 इयर्स ओल्ड थी मैं, और मैं भी एक अडल्ट थी, तो मैं भी मेरी लाइफ के लिए मैं डिसाइड कर सकती हूँ. और लेकिन इनका कॉन्स्पिरेसी देखिए, इनका प्लान यही था, क्योंकि उनको पता था कि हम दोनों में कोई भी एक फॉल्स रेप चार्ज फाइल नहीं करने वाले हैं. वो ही ट्राइड टू थ्रेटन अस, ही ट्राइड टू फोर्स अस,
लेकिन वो पैरेलली और एक प्लान बनाकर लाइक सभी मीडिया चैनल्स लाइक एंटी हिंदू मीडिया चैनल्स और डीप स्टेट एलिमेंट्स, इनका एक बड़ा सा गैंग है, जनार्दन कुलनरी का एक बहुत बड़ा गैंग है, वो उन सभी को गैदर करके इनको और एक जगह पर वेट करो करके बोलकर वो उनका पूरा सा गैंग इनका यूनिवर्सिटी कैंपस में आकर दिखाए कि ओ अब सब देखिए यहाँ नहीं नित्यंत नहीं है, इसका अर्थ क्या है, वो स्वामी जी ने किडनैप किया है, लाइक एक फॉल्स केस, कंप्लीटली फैब्रिकेटेड स्टेज्ड किडनैपिंग और एक फॉल्स एक्यूजेशन बोलकर सारा का सारा मीडिया चैनल्स लाइक एंटायर मीडिया चैनल्स वर फ्लैशिंग दिस न्यूज क्लेमिंग दैट ओ शी इज किडनैप्ड, लेकिन वेयर वाज शी, वो वही जगह पर वेट कर रही थी जिसने जनार्दन ने बोला था। I'm sorry, मेरे हिंदी थोड़ा सा ब्रोकन है। नहीं नहीं, हिंदी आपकी बहुत अच्छी है, आपकी आपकी हिंदी बहुत अच्छी है, मैं चाहता हूँ कि आपकी जितनी अच्छी हिंदी है वैसे हम लोग कन्नड़ और तेलुगु हो जाए तो हम लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। माँ प्राण प्रिया को जेल जेल जाना पड़ा था इसमें और काफी समय जेल में रहना पड़ा था, तो उनको किस लिए जेल ले जाया गया जब FIR नहीं था? सो आई जस्ट एक्सप्लेन दिस संदीप जी, पहला नवंबर 1st में जो हुआ था वो ये था कि लाइक ही गॉट 60-70 मेन इनटू द कैंपस जैसे हमने अभी दिखाया था आपको, और इमीडिएटली मैंने कैंपस लाइक आई वाज स्टेइंग सेपरेटली, आई इमीडिएटली रश्ड बैक टू द कैंपस विथ माय सिबलिंग्स और मैंने तुरंत ही पुलिस के पास मीट करके उनसे कहा कि देखिए ये सब इसमें ये पूरी मामले में आश्रम को कोई लेना देना नहीं है, ये पूरी की पूरी तरफ से ये जनार्दन का साजिश है और उनका मकसद ये है कि वो स्वामी जी पर हमला करना चाहता है और ही वॉन्ट्स टू शट दिस डाउन, ही वॉन्ट्स टू शट डाउन द होल यूनिवर्सिटी कैंपस। ये मैंने एक्सप्लेन किया, पर जितना जो हुआ था अभी उसको थिंक करना उसके बाद याद करना भी बहुत मुश्किल है मेरे लिए, क्योंकि इमेजिन कीजिए 60-70 ऑफ देम ऑल अराउंड ऑल ऑफ देम वर प्रेशराइजिंग मी टू गो बैक टू बोथ जनन एंड भुवनेश्वरी एंड ऑन द अदर साइड ऑन द मीडिया दे आर कंटिन्यूसली स्प्रेडिंग द लाई दैट आई एम किडनैप्ड। द ट्रूथ वाज दैट दे आस्क्ड मी टू स्टे इन अ सेपरेट प्लेस, आई वाज नॉट किडनैप्ड and I am an adult, I had consciously chosen this path of sannyas. So, ek baar nahi, do baar nahi, lagatar, almost 8-9 hours, Sandeep ji, maine police ke saath baithkar unse baatein kiya aur maine statement mein, writing mein bhi diya tha, maine ye kaha ki, mujhe kuch bhi, like I don't want to go back. I told them, if I go back, my life would be finished. Because Janardhan, very clearly he warned me, he said, if I don't accept, I don't listen to him and do, he said, he will go to any extent make me file the false rape charge. And because he was very clear that he wanted to use me, he wanted to use us to attack Swamiji. Kyunki abhi unka sari raaz khul gaya hai, like all his things are getting exposed. He immediately retaliated and he started asking us to file a false rape charge and jab bhi maine like inkar kar diya saaf taraf se and maine police ko bhi written statement diya fir bhi media mein continuously aap sochiye agar if someone tells you kidnapped and aap physically wahan pe ja kar keh rahe ho ki hey main yahan hi hu I'm not kidnapped I'm here and I'm an adult aur fir bhi main usi campus mein hu I am talking to them I'm saying I'm not kidnapped and still they continue to lie that Swamiji has kept us kidnapped. And Sandeep ji, isme ek such, or I just wanted to highlight one more fact here. Ma Tatvapriya, Gujarat, Ahmedabad mein kabhi nahi. She's never set her foot there. Ji, main kabhi bhi Gujarat nahi gayi hoon. Aur main kabhi, maine bol mein boli thi na, pehle. Haan ji, main kabhi Gujarat nahi, main kabhi bhi main Gujarat nahi gayi hoon. अभी अब तक मैं कभी भी गुजरात नहीं गई हूँ और उस समय
मैं बाहर थी, इंडिया में ही नहीं थी, मैं आई वॉज ट्रैवलिंग, मैं वर्ल्ड टूर में था, और मैंने उस समय जब ये अटैक हो रहा था ना, मैंने एक कैरिबियन देश है ट्रिनिडैड करके, ट्रिनिडैड एंड टोबैगो, मैं वहां था, मैं वहां एक लाइक वर्ल्ड टूर कंडक्ट कर लोगों को क्लास लेकर वो ही काम कर रही थी मैं। तो जब ये पूरा का पूरा अटैक हो रहा था, इस जनार्दन ने मेरी फोटो को भी लेकर मीडिया में फ्लैश कर रहा था, बोल के देखो मैं ये सुप्रिया को मैं मीट नहीं कर पा रही हूँ, ये भी यहाँ इस आश्रम के अंदर ही उनको भी लॉक करके रखा है। और मैंने जब इसको टीवी में न्यूज पे लाइव में देखा, मुझे बहुत शॉक हो गया। तभी मुझे समझ में आ रहा था कि क्या एक्चुअली हो रहा है, क्योंकि जब मैंने उनका फाइनेंशियल एम्बेजलमेंट का एविडेंस फाइंड किया और उसके बाद इसका ये ऐसा एक कॉन्स्पिरेसी रचकर, इतना क्रिमिनल प्लॉट रचकर स्वामी जी पर एक फॉल्स आरोप लगा रहा है, ये सब मुझे समझ में आना शुरू हुआ। तभी मुझे समझ में आना शुरू हुआ, मैंने फोन को पिकअप करके मैं कॉल कर रही थी, संदीप जी जस्ट इमेजिन वो मेरी फोटो को, बड़े मैंने आश्चर्य की बात है कि अपनी बेटियों को, और जो बेटी यहाँ नहीं है, देश में नहीं है, उसको भी फॉल्स रूप से फंसा रही है कि वो आश्रम में है। तो मुझे लगता है ये केस तो तभी खारिज हो जाना चाहिए, इतना बड़ा फ्रॉड अभी तक चला, यही आश्चर्य की बात है। यही तो दिस इज, देखिए ना कितना बेसलेस है ये उनका पूरी आरोप। अगर आप पढ़ाएंगे तो यही है पूरी आरोप में, कंप्लेन में यही आरोप लगाया है कि हम दोनों को यू नो इलीगल कन्फाइनमेंट में, इलीगली कन्फाइन करके रखा है, हम किडनैप है, और ये सब सारी झूठ कहा गया था। और यहाँ पे सच यही है कि माँ तत्वप्रिया ने कभी भी गुजरात में, शी इज नेवर इवन कम टू गुजरात, एंड ये सारे कंप्लेन फॉल्सली स्वामी जी पर, द होल थिंग वाज फॉल्सली अक्यूज, स्वामी जी वाज फॉल्सली अक्यूज्ड ऑफ दिस, बल्कि लाइक द ट्रुथ इज, ये आप है पुलिस के साथ, पिछले 10 ये आप है पुलिस के साथ, पुलिस को मीट करके मैंने ये कहा कि कितना, देखिए ये सारी झूठ है, एंड वी द आश्रम, और देयर इज नो लेना, लाइक यू नो आश्रम एंड हैज नो इन्वॉल्वमेंट इन दिस व्हाट्सोएवर, आई एम अ मेजर, आई हैव कॉन्शियसली चोजन टू लिव द पाथ ऑफ सन्यास। ये सारी एक्सप्लेन करके मैंने कहा अगर मैं किसी भी तरफ, इफ आई एम हैंडेड ओवर टू बैक टू बोथ ऑफ देम, बोथ जनार्दन एंड भुवनेश्वरी, दे विल यूज मी, दे विल डिस्ट्रॉय माई लाइफ, देर गो टू एनी एक्सटेंट टू यूज मी एंड अटैक स्वामीजी एंड मेक मी फाइल अ फॉल्स रेप चार्ज। ये सारी चीज एक्सप्लेन करके मैंने स्टेटमेंट राइटिंग में भी दिया है। एक्चुअली द फोटो आप जो देख रहे हैं ना, वो फोटो मेरी स्टेटमेंट का फोटो है। तो मैंने पूरी वॉट एवर आई रोट एंड आई गेव इट टू देम एंड आई सेड आई डू नॉट वॉन्ट टू गो बैक। एंड एक चीज मैं पूछता हूँ, जैसे मेरी आवाज ही हो रही है, जैसे तीन केस अगर हम लें, 2010 का केस अगर लें मॉर्फ वीडियो के जरिए, स्वामी नित्यानंद जी पर यही आरोप लगाने का प्रयास किया गया रेप का, फिर यदि हम लुकास का केस लें, कनाडा वाला जो लुकास है, उस जो लिविन में वो रह रहा था किसी के साथ, उसके जरिए फिर से यही प्रयास किया गया, और फिर आप दोनों बहनों के जरिए यही प्रयास किया गया। तो कोई एक बड़ा जो नेटवर्क है, हो सकता है उसके फादर, आपके फादर सिर्फ पैसे के लिए नहीं, एक बड़ा नेटवर्क है जो लगातार कोशिश कर रहा है कि नित्यानंद स्वामी पर रेप केस को जो है चिपका दिया जाए, ताकि इनकी जो छवि है वो पूरी तरह से समाप्त हो जाए। ये तीनों केस को आप जोड़ के देख पा रही है कि ये तीनों के एक ही नेचर के लग रहे थे? बिल्कुल, आपने आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और सिर्फ एक करेक्शन करना चाहती हूँ, ये सिर्फ स्वामी जी के ऊपर ही नहीं, हर एक हिंदू गुरु जो भी हिंदुइज्म के लिए खड़े होते हैं, जो भी हिंदुइज्म सनातन हिंदू धर्म को पुनर्स्थापित करने के लिए जो भी प्रयत्न करते हैं, हर एक गुरु को यही होता है। और स्वामी जी
बहुत लाइक इट इज लास्ट स्वामी जी बिकॉज स्वामी जी ही पहला पर्सन है जो जिन्होंने सनातन हिंदू धर्म पर जितना भी हमला हुआ है, जितना भी पर्सिक्यूशन हुआ है, ये सब को विश्व भर में, दुनिया भर में ये सारे अट्रॉसिटीज जो हुआ है, हमारे एंसेस्टर्स ने जितना भी गो थ्रू किया और कंटिन्यूसली जो अटैक हो रहा है, ये सब स्वामी जी ही एक ऐसा एक व्यक्ति है जो इस सब को यू नो ही इज मेकिंग हिंदूज अवेयर ऑफ इट. जैसे कि यूनाइटेड नेशंस जैसे ग्लोबल स्टेजेस में इसको हिंदू होलोकॉस्ट इसके बारे में बात करना सिर्फ स्वामी जी है. ये सारी एंटी हिंदू एलिमेंट्स दे आर नॉट एबल टू डाइजेस्ट इट बिकॉज स्वामी जी अनअपोलोजेटिकली हिंदू. ही इज स्टैंडिंग अप फॉर हिंदुइज्म. ही इज वॉइसिंग आउट द हिंदू पर्सिक्यूशन. आपने सारी केसेस आपने जैसे कहा, जैसे हमारा और बहुत एग्जांपल्स है इस तरह, ये एक साल दो साल नहीं, पिछले 21 साल से आ रहा है, ये लगातार हो रहा है. क्यों? ये एक स्ट्रैटेजी है. अब देखिए, बिकॉज इट्स अ फाइट पर्सिक्यूशन. फर्स्ट वन आइसोलेशन, मतलब वो सनातन हिंदू धर्म हिंदूज और अलग, और सेकेंड मतलब उनकी इतना कैरियर असैसिनेशन करते हैं लगातार 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 झूठ फैल कर, ये सारे झूठ बोलकर उनकी कैरेक्टर को कैरेक्टर करते हैं. मतलब अगर लगातार एक के ऊपर एक के बाद एक के एक दे कीप ब्रिंगिंग डिफरेंट डिफरेंट दे कीप पुटिंग डिफरेंट केसेस कंटिन्यूअसली एंड what happens after that, people start doubting, start having a doubt, oh god, this is true, this is not just one or two, this is happening continuously. Jaise hum aapko dikha rahe hain abhi, har ek guru, you all can see year after year after year, this Ananda Marg sannyasi is being burned to death, this is guru being killed in broad daylight, and this is Sant Rampal being arrested, this is Swami Abhimukteshwarananda ji who was mob lynched. Here you can see Hindu priest is being beheaded. हम किसी पुराने वाले बातों, सिर्फ पुराने वाले बातों बात नहीं कर रहे हैं, हम अभी के अभी क्या हो रहा है उन उसके बारे में बोल रहे हैं. अभी भी हिंदू प्रोसिक्यूशन हो रहा है. हम दोनों सिर्फ हम हिंदू सन्यासी है ना, इसीलिए हमें इसको इस अटैक में हमें एक वेपन जैसे यूज करने के लिए ऐसा अटैक कर रहे हैं. एंड अभी स्वामी जी की इस अटैक में आपने देखा तो पहले दे सेपरेटेड स्वामी जी फ्रॉम हिंदूज मीडिया थ्रू यूजिंग द एंटी हिंदू मीडिया कंटिन्यूसली दे स्प्रेड द न्यूज स्प्रेडिंग द ऑफ डीप फेक वीडियोज फ्रॉम दैट बिगिनिंग फ्रॉम दैट दे मेड हिंदू स्टार्ट डाउटिंग हिंदू गुरुज. आफ्टर दैट दे बिल्ड दैट एज अ ग्राउंड फॉर जस्टिफिकेशन so that they can use that and directly attack Swamiji so that they can end the mission of Vilasa, they can end what Swamiji is doing to for humanity. If you see, Swamiji is not doing, he is not running his separate company or business, there is no profit here. Swamiji unke sari jeevan ko sanatan hindu dharm aur hamare insaniyat humanity ke liye Swamiji ne dedicate hai, aur every vision, every contribution of Swamiji is dedicated to this, and that is why continuously Swamiji is being attacked. Agar aapne dekhe to sirf 20 years mein hi Swamiji 150 countries mein temples banaya, aur 150 countries mein more than thousands of temples, paduka mandirs, temples, satsang centers, healing centers, schools, libraries, healing centers, food banks, annadan, ye sabhi sirf 20 years ke andar hi Swami ji aur bahut kam umr mein hi Swami ji ye sab karne ke liye shuru kar diya tha. Aur us sirf utna nahi, pehli baar itna persecution handle karne ke baad bhi unhone ek bahut bada first nation for Hindus, ek Hindu rashtra hamare liye banakar United Nations tak, ek bahut zyada international forums tak लेकर हम हमारे हिंदूज के लिए दिए हैं.
और सिर्फ उतना नहीं, एक्चुअली यू कैन सी लाइक नाउ कैलासा इज हैविंग अ सॉवरेन टेरिटरी एंड कैलासा हैज बायलैटरल रिलेशंस विद सो मेनी डिफरेंट कंट्रीज. दिस मच वर्क बिकॉज सी मोर देन हिंदूज अंडरस्टैंडिंग वॉट स्वामीजी इज डूइंग फॉर हिंदुइज्म. The anti-Hindu elements, Hindu विरोधों को उनका स्वामी जी का पावर पता चल गया था पहले ही. उन लोगों ने सेंस किया कि हे एक आम आदमी नहीं है, इनके पास बहुत ज्यादा शक्ति है और बहुत सिंसियरिटी हार्डवर्क है, इसलिए इसको हिंदू विरोध गैंग सेंस करके स्वामी जी को टारगेट करके अटैक कर रहे थे अभी भी अटैक कर रहे हैं. हमारा एक है ना, आप दोनों माँ से, क्योंकि आपने कैलासा की बात की, मैं आप दोनों माँ से ये थोड़ा सा जानना चाहूंगा, लोगों में क्यूरियोसिटी है, जिज्ञासा है, और आप कैलासा गई होंगी, बिल्कुल आप गई होंगी, आप स्वामी जी के मैसेज को ले जाएंगे. कैलासा किस तरह से बना हुआ है, कहाँ पे है, और वहाँ कैसे सिस्टम चलता है, हिंदू राष्ट्र के रूप में किस तरह से सिस्टम वहाँ चलता है, ग्रो करता है, किस तरह का है वहाँ, कैलासा पूरी की पूरी तरफ से सनातन हिंदू धर्म में हमारे धर्म शास्त्रों में जितना भी बताया गया है, जैसे आप राम राज्य के समय में भगवान श्री रामचंद्र प्रभु ने जैसे अयोध्या को ऐसे क्रिएट किया कि हमारे हिंदू शास्त्र रामायण में लिखा है कि जो भी प्राण पशु पक्षु वृक्ष पेड़ हर पेड़ पौधे सब में इतना आनंद, लाइक द होल अयोध्या वाज सो जॉयफुल. उसी प्रिंसिपल्स जो हमारे सनातन हिंदू धर्म में है और वो लाइक यू नो फ्रॉम अ लॉन्ग फ्रॉम टाइम इमेमोरियल विच हैज बीन प्रैक्टिस, यही प्रिंसिपल्स को स्वामी जी कैलासा में रिवाइव किया है. और यहाँ पूरी की पूरी तरह से फुल्ली हिंदुइज्म बेस्ड हिंदू लॉस, हिंदू प्रिंसिपल्स, हिंदू पॉलिसीज, हिंदू एजुकेशन सिस्टम, हिंदू बिजनेस सिस्टम, everything end to end hindu economy and hindu judiciary jaise ki hum hamare supreme court jo bhi hai sabhi cheezon principle se banaya gaya hai. Hamara constitution bhi vedagamas based hi hai. The preamble hamara constitution kailasa ka constitution ka preamble hai bhagavad gita aur iska pura book bhi freely available hai. Swami ji ka bhagavad gita decoded karke aap google mein search kar sakte hain aur you will get a free book. Aur mere paas hai wow wonderful. आपने कभी पढ़ा है, लेकिन इट्स वेरी इंटरेस्टिंग बुक. और आपका सारा का सारा जीवन में कोई भी प्रॉब्लम उस बुक में आपको सॉल्यूशंस मिल जाएगा. मैं भी पढ़ती हूँ, मेरे पास भी हार्ड कॉपी है, बहुत बहुत बुक है, आई लव बुक. और हमारा ज्यूरिसप्रूडेंस है मनोधर्म शास्त्र, और ऐसा सभी हिंदुइज्म बेस्ड, आई कांट इवन यूज द वर्ड बेस्ड, इट इज फुली हिंदुइज्म. सनातन हिंदू धर्म में मोस्ट ऑथेंटिक सनातन हिंदू धर्म में क्या क्या बोले हैं, लाइक वेदर हमारा कितना किस समय में हम उठना है, कैसा हम योगा करना है, उससे शुरू होकर हमारा ज्यूरिसप्रूडेंस कोर्ट सिस्टम कैसा रहना है, लॉस क्या क्या रहना है, ऐसा सभी ए टू जी हिंदुइज्म ही है. और उस हिंदू स्क्रिप्चर्स वेदास आगमास शास्त्रास उपनिषद इन सबके बेस्ड ही हम फंक्शन करते हैं, हमारा पूरा लाइफस्टाइल भी इसी के ऊपर है. इसलिए आप देख काउ बेस्ड एग्रीकल्चर, गाय के लिए क्या प्रावधान है वहाँ, काउ बेस्ड एग्रीकल्चर है वहाँ, और भोजन सब शाकाहारी करते हैं या किस तरह का भोजन वहाँ के लोग करते हैं, कितनी पॉपुलेशन होगी वहाँ अभी? हाँ, तो अभी हमारे लाइफस्टाइल जो है ना, जैसे आपने पूछा, इट इज कम्प्लीटली ऑर्गेनिक सात्विक लाइफस्टाइल, योगा से शुरू होकर योगा पूजा, एंड हमारे यहाँ गो है जहाँ हम यू नो गायों को पालते हैं, और एंड टेम्पल बेस्ड लाइफ स्टाइल एंड एवरी थिंग एंड टू एंड इट इज कम्प्लीटली सात्विक लाइफ स्टाइल. एक्चुअली हमारे कैलासा का
जो मिशन है, फंडामेंटल मिशन, स्वामी जी ने बहुत अच्छी तरफ से कहा है कि कैलासा का कोर प्रिंसिपल ये है कि जितना भी सनातन हिंदू धर्म में जितना भी प्रिंसिपल्स और गिफ्ट्स दिया गया है उसको ह्यूमैनिटी के साथ बांटना, उसको जो भी फ्रॉम हिंदुइज्म, द बेस्ट फ्रॉम हिंदुइज्म गिवन फ्री टू द वर्ल्ड इज कैलासा फंडामेंटल कोर दैट वी आर स्टैंडिंग फॉर, विच इज कॉन्ट्रीब्यूट टू ह्यूमैनिटी। तो इसीलिए हमारे सारे जो इनिशिएटिव्स है कैलासा के थ्रू, जो भी इनिशिएटिव्स है जैसे कि हमारी एजुकेशन सिस्टम फ्री गुरुकुल, सेम वे वी बोथ ग्रेजुएटेड फ्रॉम गुरुकुल, वी बोथ गुरुकुल ग्रेजुएट्स एंड आप देख सकते हैं हमारा एजुकेशन सब कुछ गुरुकुल में फ्री। मैंने एडिकल जीसीसी से लगी हमारी हाई स्कूल में गुरुकुल में हिंदू स्क्रिप्चर्स ही पढ़ाए जाते हैं, वेद आदि या ये बाहर की चीजें भी पढ़ाई जाती है? दोनों भी सर, दोनों भी। एक्चुअली स्वामी जी ने हाउ स्वामी जी सेज इज इनसाइड बुद्धा आउटसाइड बिल गेट्स, लाइक लिटरली हमारे पूरी तरह से टेक्नोलॉजी में हम वेल वर्स्ड हैं और वी लर्न ऑल द सब्जेक्ट्स, वी लर्न बिजनेस स्टडीज, वी लर्न फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी द साइंस and maths, all of these things we learn, as well as we learn about website building, we learn social media, we learn like all the things that we are interested in. Apart from this, hamare paas hum scriptures padhte hain, Vedas, 108 Upanishads, Swamiji hum sabko ye sab bhi sikhate hain, aur sirf scriptures padhne nahi, unko hamare modern day lifestyle mein kaise practically apply karna hai। फॉर एग्जाम्पल हमारा लाइफ स्टाइल में लाइक हमारा क्या स्टिक यूज करके, उस स्टिक को रॉ मटेरियल करके यूज करके कैसा ब्रश बनाना है उससे शुरू होकर, हमारा कॉग्निशंस, हमारा थिंकिंग करेंट्स कैसा रहना है, ये सब कुछ पूरा का पूरा हिंदू स्क्रिप्चर्स में ही से ही लिया है। और हम हमारा एजुकेशन भी, लोग पूछ रहे हैं कि ये कहाँ पर है, मतलब कौन से कॉन्टिनेंट में है ये कैलासा? सो स्वामी जी ने एक्चुअली अनाउंस किए थे, लाइक इन वन ऑफ द सत्संग स्वामी जी हैड अनाउंस दैट दिस इज मोर क्लोजर टू लाइक इट विल बी क्लोजर टू ऑस्ट्रेलिया एज वेल एज दिस लोकेशन इज नाउ ओपन। जो भी सन्यासी, हूएवर इज साइनिंग अप एंड बिकमिंग सन्यासी फर्स्ट, दे विल बी डायरेक्टली गिवन द वीसास एंड यू विल बी गिवन द लोकेशन वेयर व्हिच वेयर एग्जैक्टली द कैलासा इज एंड यू विल बी एबल टू कम एंड जॉइन देम। So this is right open, like the priority is for anyone who wants to take sannyas, like they're the first priority. Slowly it is going to be revealed to the world too. Actually, but aap abhi hi, like this Kailasa and all the gifts from Kailasa is open for people right now itself. Agar like aap, jaise aapne kaha, jo bhi pooch rahe hain ki hum kaise experience kar sakte hain, hum kaise apply kar sakte hain, abhi bhi aap आवाज कट गई है शायद। तो कैलासा के बारे में सुन के बहुत अच्छा लग रहा है, और किस तरह का वहां उन्होंने देश बनाया है। ऑस्ट्रेलिया के पास एक द्वीप है जो वहां इन संन्यास लेने वाले और जो हिंदू बिलीफ सिस्टम में जो विश्वास रखते हैं, हिंदू धर्म में जो विश्वास रखते हैं, उनके लिए उनको वीजा मिलता है। तो उसकी पूरी प्रक्रिया दोनों माँ समझा रही थी, पर नेटवर्क जो है चला गया है, मैं कोशिश करूंगा। और पूरा वहां जो है वेद आगम पूरा सिस्टम जो है वैदिक रूप से चलता है, हमारी जुडिशियल सिस्टम भी एक तरह से मनुस्मृति, हमारी पूरी व्यवस्था जो है उस हिसाब से। तो एक द्वीप के रूप में मुझे लगता है कि छोटा द्वीप होगा, और उसको हिंदू रूप से डेवलप करना एक अच्छा थॉट है। यहाँ के जो भी लोग बाबा लोग हैं वो तो इसी सिस्टम में रहकर, इसी सिस्टम की सरकार के साथ तालमेल करके जो चीजें कर रहे हैं वो ठीक है, परंतु एक नया हिंदू राष्ट्र बना देना अपने आप में बड़ी बात है। और यूनाइटेड नेशन में जाकर हिंदू परसिक्यूशन यानी हिंदू उत्पीड़न की कहानी बताना पूरी दुनिया को, ये सबसे बड़ी बात है। हम और आप कितना कुछ कर लीजिए, हम अपने देश में ही पीड़ित हैं, सबसे ज्यादा पीड़ित हैं।
तो माँ आपका स्वागत है, आवाज चली गई थी तो नेटवर्क इश्यूज था तो इसीलिए हमने ड्रॉप। लोग लोग और जुड़ गए हैं कैलाशा के बारे में जानने के लिए, ये बहुत आपने बड़ा अच्छा बताया है। कैलाशा के लोग इनकम कैसे करते हैं, वहाँ अगर रहते हैं तो उनको अपना जीवनचर्या भी चलानी होती होगी, तो वो इनकम अपना कैसे करते हैं, किस तरह से व्यवस्था है? हाँ जी, एक्चुअली स्वामी जी ने एक बहुत वेरी वेरी इम्पोर्टेंट रिवाइवल किए हैं, उनका उसका नाम है हिंदू सर्कुलर इकोनॉमी। उनका ऐसा इकोनॉमी ऐसा सेटअप हुआ है जैसा कि हम सभी सिर्फ हम हमारे लाइक विल बी डिपेंडेंट जस्ट विद इन द कम्युनिटी। इस कम्युनिटी के अलावा हमें और कुछ चीजों भी का चीजों को लेना देना का I'll just explain it in English. There is such a beautiful system where you have the interdependency within the community. Like the, let us take Hindu marriage. Like right? Indian village. Just like old Indian village. Yes. Yeah, the community living, just community living, the barter system. Yes, it's actually both together. We have the currency also. We have actually the currency. We have Kailasa's currency, which Swamiji had revealed to the world on the auspicious Ganesh Chaturthi day in 2021. I'm pretty sure you all would have seen the Reserve Bank of Kailasa and you would have seen the currency being released to the world. And apart from that, we have a very well-established system, which is called as the circular Hindu economy. For example, you want to buy something. You go and buy it only from your from a Hindu, and the system is set up in such a manner where Hindus empower the other Hindus. Like if I want to go to temple and I want to, let us say that like I want to start a new job, and I go to a set of astrologers who are part of this system, so that like I support them in growing their business and I'll get the most authentic service. Like this, Swamiji has created a beautiful community system. Like how, as you beautifully mentioned, sir, Sandeep ji, aapne mentioned kiya tha na, like, jaise humare purane kalon mein, humare villages mein, aise system tha. Like there will be just 18 villages hote the, like where sirf usi community se hi log exchanges kar rahe the, like cheezo ek dusre se baat kar aur reet kar businesses run ho. तो ऐसा एक सिक्योर्ड सिस्टम हो जाए कि वहां इकोनॉमिक क्रैक नहीं हुआ, इकोनॉमिक क्राइसिस हो रहा है, लेकिन ये सब इस सर्कुलर इकोनॉमी सिस्टम में नहीं होगा। और इसी सिस्टम से से ही हमारा कैलासा में हिंदू राष्ट्र में भी और ये सिस्टम संदीप जी 5000 years old है, like 5000 सालों के पहले हमारे सनातन हिंदू धर्म, सनातन हिंदू धर्म हम कहते हैं ना अखंड, 56 जनपद थे जो सनातन हिंदू धर्म को मान, like you know, based on हिंदू से हिंदू nations, there were 56 हिंदू nations, और for the longest of time these 56 Hindu nations contributed to 64% of the global GDP. Hamara system itna successful tha aur vishwa bhar se travelers France se aur different parts of the world se travelers aate the aur unko Bharat ke hamara akhand bhar mein jo system tha, the economic system aur hamare paas jitna is sab cheez hamare Hindu dharm हिंदू शास्त्रों में इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए ही हमें मिला था। इसी प्रिंसिपल को स्वामी जी अभी रिवाइव कर रहे हैं और अभी पूरे के पूरे कैलासा में इकोनॉमिक पॉलिसीज हो या कुछ भी हो, सारी चीज सिर्फ हिंदू शास्त्रों से लिया गया है और मॉडर्न डे ह्यूमैनिटी के लिए, मॉडर्न डे ह्यूमन बींग्स के लिए ये सारे अप्लीकेबल फॉर्मेट में अवेलेबल किया गया है। एक्चुअली लोग सोच रहे हैं कि क्या ये 2 साल या 3 साल का वर्क है, नहीं, स्वामी जी ने इनको इस रिवाइवल को जब वो सिर्फ 3 साल का उम्र में था तभी से ही स्वामी जी बाल संन्यास लेकर तब उस उम्र से ही कैलासा के लिए वर्क कर रहे हैं।
और उन स्वामी जी का उनको ट्रेन कर कर, और स्वामी जी ने लाइक एक बहुत बड़ा से 2000 से एक्चुअली जी जब 16 इयर्स ओल्ड थे तभी उन्हें उनका घर छोड़कर परिव्राज का यात्रा परिव्राज और लेंथ एंड वॉक and started building this, started this revival of the most authentic Hindu Vedic system. और जी इसी कारण ही स्वामी जी के ऊपर इतना सारा अटैक हो रहा है. स्वामी जी इस हिंदू सिस्टम को, जैसा हम बोल रहे हैं ना, इसी सिस्टम को योगिनी सर्वज्ञ पीठम में भी एस्टैब्लिश करके उन वहां का लोगों ने लाइक एज शी वाज मेंशनिंग लोग आ रहे थे बहुत ज्यादा कंट्रीज थे वहां और ये बहुत बड़ा लेवल पर एक्सपैंड हो रहा था. इसी के कारण दिस जनार्दन और उनका पूरा का गैंग उस आश्रम को, सिर्फ आश्रम नहीं, उन वहां रहने वाले महिलाओं को, फीमेल सन्यासी साधवी को अटैक कर रहे थे. मैं और एक विषय बोलना चाहती हूँ. जब हम दोनों ने बोला कि हम ऐसा फॉल्स चर्च नहीं देंगे, मैं अभी भी, मुझे बोलने के लिए बहुत बहुत दुख हो रहा है, इस जनार्दन ने, इतना बड़ा क्रिमिनल है, उसने एक अटैक लॉन्च किया हम दोनों को मर्डर करने के लिए, और उस दोनों को मारने के लिए, और जो बोल रहे थोड़ा आवाज में डिस्टरबेंस है. आवाज में थोड़ा डिस्टरबेंस है. तो एक फादर कैसे हिंदू विरोधी होकर अपने ही बच्चों के विरुद्ध कैसे उतरता है, आज हाई कोर्ट के आदेश से साबित तो हो ही गया. और इंडिया स्पीक्स डेली अकेला चैनल है जिसने इस पूरे मामले को, नित्यानंद स्वामी जी के पूरे मामले को कवर किया. हमने भी हमले झेले, लोग क्या से क्या कहने लगे. आज कोर्ट के ऑर्डर से तो हमारी पत्रकारिता सही साबित हुई. जो लोग हमला कर रहे थे उनको ब्रांडेड स्थिति, उनको जो मीडिया बताता है वही उनको समझ में आता है. अभी मैंने आपको हिंदुस्तान की रिपोर्टिंग दिखाई, हिंदुस्तान अखबार की, कि किस तरह हिंदुस्तान कोर्ट के फैसले को भी हेडिंग में कुछ और बना के दिखा रहा है. तो जिस तरह से ईसाई और इस्लाम अपने पादरी, अपने पोप और अपने मूल्य मौलवियों के पक्ष में खड़ा रहता है ये जानते हुए भी कि वो गलत है, और हम सब ये जानते हुए भी कि फंसाया जा रहा है मीडिया से, जो है आपको कैरेक्टर असैसिनेशन कराया जा रहा है, मीडिया ट्रायल कराया जा रहा है, पॉलिटिशियंस ये काम को अंजाम दे रहे हैं, हम अपनी अपनी पार्टी पकड़ के अपने ही धर्म गुरुओं पे हमला बोल देते हैं. तो मैं जो बार बार कहता हूं, वो भारत के हिंदुओं को किसी और ने नहीं बांटा है जितना पॉलिटिकल पार्टियों ने बांटा है. और इस नित्यानंद स्वामी जी के केस में यदि आप देखेंगे तो आपको डीएमके तमिलनाडु के का डीएमके की भूमिका आपको दिखेगी, भाजपा सरकार भी दिखेगी, जनता दल वाली कांग्रेस वो भी सरकार दिखेगी, गुजरात की भाजपा भी दिखेगी, यानी टोटल पॉलिटिकल सिस्टम इसमें आपको इन्वॉल्व दिखेगा. और इनमें कुछ ऐसी क्षमता थी, बाकी तो नहीं बना पाते, कि एक देश बसा लिया, हिंदू सिस्टम को लागू कर दिया, थोड़ी ही जनसंख्या है लेकिन लागू कर लिया. तो वो अगर यहां से नहीं निकलते तो वो संभव नहीं था. इसलिए जो लोग भगोड़ा शब्द यूज करते हैं वो थोड़ा आत्ममंथन करें, कि वो कितना गलत उपयोग कर रहे हैं इस शब्द का. आवाज का डिस्टर्बेंस था. तो आप बता रहे थे कि आप दोनों को मारने का प्रयास भी किया था आपके फादर ने. हाँ जी, उसका एक बहुत, that's what I'm saying, एक बहुत बहुत दुख हो रहा है, बहुत पेनफुल है जब मैं इसको बोलना बोल रही हूँ. एक पिता क्या उनका बेटी को मार सकते हैं? मैं शॉक हो रही, I'm just shocked. लेकिन वही किया था इस जनार्दन ने. हमारे
जब हम दोनों ने नहीं ऐसा नहीं कर सकते हैं, एक फॉल्स केस डाल नहीं सकते हैं, और उनके उनका फाइनेंशियल फ्रॉडुलेंस जब हमने लाइव में आकर इनका फाइनेंशियल फ्रॉडुलेंस के बारे में हम सभी के सामने बोलना शुरू किया और उनका क्राइम्स के बारे में जब हमने नो वॉइस आउट करना शुरू किया, तब से उसने हमारा ही स्टार्टेड अटैकिंग अस टू किल अस इन द नेम ऑफ ऑनर किलिंग. ही स्टार्टेड डूइंग अ लॉट ऑफ डिफरेंट टैक्टिक्स और इतना सीरियसली उसने अटैक्स लॉन्च किया. और उनका अफिडेविट में जब हम एक्चुअली जब से ये केस शुरू हुआ ना, तब से नवंबर 17th इस केस शुरू हुआ, तब से हम रोज सोशल मीडिया में लाइव में आकर हम बोल रहे थे कि जी देखिए हम दोनों किडनैप नहीं हैं, हमारा जीवन एक साधु संत जैसे ही हम जी रहे हैं, ये हमारा जीवन है और हम किसी कंट्रोल में नहीं है करके हम रोज लाइव में आकर बोल रहे थे. लेकिन जनार्दन ने हम दोनों का मर्डर का प्लान कर हम दोनों के पीछे एक बड़ा राउडी गैंग हमें चेस कर लाइक वन साइड ही मेड अ मॉर्फ वीडियो. मेरा एक मॉर्फ वीडियो करके जहां एज इफ लाइक मैं बोल रही हूँ उस मॉर्फ वीडियो में कि ओ यही मेरी लास्ट वीडियो है, ऐसा एक फेक वीडियो उसने सोशल मीडिया में रिलीज करके स्वामी जी के ऊपर एक फॉल्स नरेटिव रच रहा था. और उसी दिन उसने हमारे पीछे एक बहुत बड़ा राउडी गैंग को सेंड करके वो हमें चेस कर रहे हैं. It was like a narrow escape we had. Otherwise, would have been dead that day. और उसके बाद series of tracking, like हमारा phones में hack हो रहा था, हमारा social media में hack हो रहा था, like हमें थोड़ा भी सोचने का समय भी नहीं था. और मैं prove कर रहूँगी अभी like जितना वो criminal minded था, वो first हमारे पीछे एक rowdy को बेचकर उसी समय वो पैरेलली कोर्ट में एफिडेविट दे रहा है कि वो मेरी बेटियों का डेड बॉडी मुझे दे दीजिए. कितना क्रिमिनल होना है ऐसा लिखने के लिए. आप लोग देख सकते हैं मैं एक्चुअली प्रोजेक्ट कर रही हूं अभी. यही एक उनका एफिडेविट है, ये जनार्दन का एफिडेविट है जिसमें वो क्लियरली लिखा है कि मेरी बेटियों का डेड बॉडीज मुझे दे दो. उसी समय उसने एक अटैक लॉन्च किया हम दोनों को मार डालने के लिए. बताइए और इसी पर मीडिया नरेशन हो जाता है यदि आप लोग कुछ ना इस पर ऐसा ना करे, कुछ ऐसा हो जाता तो मीडिया होता कि स्वामी जी ने मरवा दिया. यही बात होती एग्जैक्टली exactly. यही तो यही इनका स्ट्रैटेजी है, यही इनका स्ट्रैटेजी है लगातार हम पर कंटिन्यूअसली किसी ना किसी माध्यम से हमें उनकी क्लचेस पर लाना. अगर हम नहीं गया तो हमें मार डालना और सारी ब्लेम और इन सारी चीजों का आरोप झूठी आरोप स्वामी जी पर लगाना यही इनका साजिश था. तो हमें किसी ना किसी तरफ से ये एक पॉन एक वेपन बनाना चाहते थे कि हमें यूज करके स्वामी जी पर हमला करने का. आप देख सकते हैं ना जी क्या कोई भी लाइक अभी भी हमें मुझे ऐसा इवन रिमेम्बर करने के लिए बहुत कष्ट हो रहा है. मेरी उम्र क्या है, मैं अभी 24 ही हूँ, मुझे भी एक लाइफ है. मैं क्या चाहती हूँ, मैं क्या मेरे मुझे कोई और लाइक यू नो आई एम नॉट अ पर्सन लाइक हमारा लाइफ स्टाइल में ऐसा नॉन वेज या ड्रग्स या अल्कोहल या ऐसा बॉयफ्रेंड्स रहना ये सब हमारा लाइफस्टाइल में नहीं है. हम केवल इतना ही चाहते हैं कि हम हिंदू सन्यासी साध्वी हमारा एक ही काम है जो सोसाइटी है ना उनको कंट्रीब्यूट करना. स्वामी जी का एक बहुत बड़ा विजन है हिंदू राष्ट्र बनाकर
सभी हिंदुओं को अपना शक्ति वापस दिलवाना, हम हिंदुओं को हमारा ये लाइफस्टाइल, सनातन हिंदू लाइफस्टाइल से ही हम सब जीना है, यही यही उनका विजन है। उनका विजन सिंपल है, ह्यूमैनिटी को सब कुछ बेस्ट लाइफ में जीना है। इसके लिए हम जितना भी कर सकते हैं उतना हम कंट्रीब्यूशन करेंगे, सिर्फ इतना ही है उनका गोल। और उसी गोल में, उसी वर्क में हम सभी सन्यासी, स्वामी जी का सन्यासी रहकर इस दुनिया पर कंट्रीब्यूट करना, इतना ही हमारा सिंपल इच्छा है। और इस लाइफस्टाइल को चूज करने के लिए और सत्य के साथ हम स्टैंड अप करने के लिए, आप जस्ट सोचिए ना, लास्ट 5 इयर्स इतना ट्रॉमेटिक था हमें कि हमारा लोकेशन, लाइक मुझे इतना डर लग रहा था कि क्या मैं मेरी घर के बाहर जा नहीं सकती हूँ, क्योंकि वो हर रोज लोगों हमको यू नो कॉन्स्टेंटली फॉलो करते हैं। यदि हम यहाँ से थोड़ा ग्रोसरी शॉपिंग जाकर आना है, उतने समय में भी हमारा जीवन को डेंजर था। सर संदीप जी, दिस लास्ट, आज हम सभी वेर ऑल लाइक ग्रेटफुल एंड वी आर सेलिब्रेटिंग द जस्टिस, पर एट व्हाट कॉस्ट द लास्ट 5 इयर्स, द जैसे आपने बताया ये सारी मंदिर का डिस्ट्रक्शन जो हुआ है, योगिनी सर्वज्ञ पीठम, जैसे मैंने कहा विश्व भर से इतने सारे महिलाओं आए थे, सबको हमारे भविष्य के बारे में एक सपना था, हम सभी एक विजन, जो विजन स्वामी जी ने बताया, जो मकसद के साथ स्वामी जी ने वो योगिनी सर्वज्ञ पीठम को एस्टैब्लिश किया था, वो अभी कहां, द एंटायर बिल्डिंग वॉज जस्ट इलीगली रेस्ड टू ग्राउंड्स, एंड लास्ट 5 इयर्स ऑफ अटैक यूजिंग अस टू अटैक अवर गुरु, अटैक स्वामी जी, एंड द फीमेल, टू इनोसेंट फीमेल मक, Aditya Pranapiyananda and Manitya Tirthatvananda were arrested. And in addition to this, the entire campus was demolished to grounds. Small children were tortured by the so-called CWC officials. Jo bhi unka deep state connection se, har cheez ko use karke, wo Janardhan Sharma ne lagatar hamla kiya, lagatar attack kiya. Aur aaj अगर आप मीडिया में जाकर देखेंगे तो हम रोज लाइव आ रहे हैं और रोज हम तभी भी और आज भी हम आ रहे हैं और वी वर कंटिन्यूअसली टेलिंग द ट्रुथ दैट दिस एंटायर थिंग इज एन अटैक ऑन पर्सिक्यूशन। ये गुजरात का आश्रम है, आज हाईकोर्ट का फैसला आया है और हाईकोर्ट का फैसला नित्यानंद स्वामी जी के पक्ष में है, इन दोनों माओ के पक्ष में है, लेकिन बिना कोर्ट का डिसीजन सुने उससे पहले गुजरात की पुलिस ने जो पूरे आश्रम को तहस नहस किया, बुलडोज किया, बुलडोजर चलाया गुजरात की पुलिस ने 2019 में, वो उसका चित्रण है। भारत के मंदिरों को, हिंदू संस्थानों को कैसे डैमेज किया जा रहा है, ये काशी के मंदिर विध्वंस से लेकर, और आपको ये काशी के मंदिर विध्वंस से पहले ये यहाँ पे डैमेज किया गया। आज भी अयोध्या में जाइए तो उस रास्ते की सारे मंदिर तोड़ दिए गए पर मस्जिद छोड़ दिया गया है। भारत का पूरा सिस्टम ऐसा लग रहा है कोई शैडो गवर्नमेंट है जिसको कोई कहीं और से चलाता है, और एंटी हिंदू सिस्टम है पूरा, कोई एक सरकार एक पार्टी की बात नहीं है, पूरा सिस्टम, होल सिस्टम एंटी हिंदू है, और वो भारत में हिंदू के किसी व्यवस्था को पनपने नहीं देना चाहता। वही हिंदू बाबा पनपेंगे जो फ्रीमेसन सोसाइटी की वकालत करते हुए हिंदू धर्म के विरोध में कहेंगे राम मंदिर इस हिंदू धर्म का नहीं है, योगा हिंदू धर्म का नहीं है, इस तरह के बयान देने वाले बाबा तो पनप सकते हैं, लेकिन जो हिंदू फिलॉसफी को लेकर चलेंगे उनके साथ क्या होगा। ये दृश्य आपको दिख रहा है, ये गुजरात के योगिनी सर्वपीठम जो नित्यानंद स्वामी जी ने महिलाओं के लिए बनाया था, जिसमें गुरुकुल चल रहा था, यूनिवर्सिटी चल रहा था, पूरा एक सनातन वैदिक लाइफ स्टाइल था जो अभी कैलाशा में है, उसको गुजरात की पुलिस ने 19 में किस तरह से बुलडोज किया, और गुजरात में कैसे हिंदू धर्म के पीठ को ना खत्म किया। आज हाईकोर्ट के फैसले से यह साबित हो गया कि गुजरात पुलिस का यह तुगलकी निर्णय
बर्बरतापूर्ण निर्णय पूरी तरह से गलत था। कोर्ट आज कोर्ट के फैसले ने नित्यानंद स्वामी जी और दोनों माओं को सही साबित किया है और गुजरात पुलिस और जो जनार्दन शर्मा एंड पूरा गैंग जो मिलकर एंटी हिंदू सिस्टम बनाकर इसको डिस्ट्रॉय कर रहे थे उनको गलत साबित किया है। अब ये बात समझना हिंदुओं को है वो कितना समझ पाते हैं। नेटवर्क टूट रहा बार बार और काफी देर घंटे का ये विमर्श हुआ। मैं अगली बार भी चाहूंगा कि दोनों माँ आए और एक बार कैलाशा पे और बताएं क्योंकि लोगों की दर्शकों की और पाठकों की क्यूरोसिटी जिज्ञासा मैं लगातार कैलाशा के प्रति देख रहा हूं और मुझे भी उतना ही पता है जितना आप लोगों को पता है। तो वो आएंगी तो बताएंगी। आज के इस विमर्श को यहीं समाप्त करते हैं और हिंदुओं के पास एक सवाल छोड़ जाते हैं कि मीडिया के नरेशन को सरकार और पुलिस के फॉल्स कार्रवाई को लेकर आप अपने लोगों पर अपने संतों पर जो हमला करते हैं वो कितना सही है ये आज आप हाईकोर्ट के निर्णय से देख लीजिए। और जो लोग उस निर्णय के विरोध में जो हाईकोर्ट तक को रोकने का प्रयास कर रहे थे 5 साल तक चीजें वो सब आज परास्त हुए हैं। और पत्रकारिता में भी हमने इंडिया स्पीक डेली ने जो मामले उठाए वो आज सही साबित हुए हैं। दोनों माओं को 5 साल के एक तरह से यंत्रणा से मुक्ति मिली है तो इसके लिए बहुत आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद माँ। आप दोनों को उस 5 साल के यंत्रणा से मुक्ति मिली है एक तरह से। Tune in for more news from Kailasas around the world.